हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बना रहे हैं दही वाले करेले। करेलों को हमने अच्छे से धोकर और काटकर इस तरह से गोल गोल और नमक लगा के रख दिया था 2 घंटे के लिए। अब इन्हें दोबारा से धो के निचोड़ लिया। अब इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। तेल चढ़ा दिया हमने और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी सौंफ, साथ ही हम डाल देंगे हमारे ये कटे हुए करेले। करेलों को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे ताकि इनका पानी सूख जाए। थोड़ा डीप फ्राई नहीं करेंगे इनको, बस थोड़ा ऑयल डालकर इसको हल्का सा भून लेते हैं। जब तक हमारे करेले भून रहे हैं हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। आधी कटोरी हमने दही लिया है, इसके अंदर हम 1/4 चम्मच हल्दी का, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची और 1/2 चम्मच इसमें हम धनिया का डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। करेले चेक कर लेते हैं आप। बहुत ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे, हल्की सी मीडियम हाई आंच के ऊपर ही इसको धीरे धीरे भून लेंगे। देखिए करेले हमारे भून गए हैं, निकाल लेते हैं हम इसको। आंच को धीमा करके इसमें हम 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं। बेसन को भून लेंगे थोड़ा। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे हींग। बेसन भून गया हमारा, अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये दही वाला मिक्सचर। लगातार चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स होने के बाद दही और बेसन, हम गैस को थोड़ा तेज कर लेते हैं। इसके अंदर अब हम अपने करेले डाल देते हैं। करेले भी इनके साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। 1/4 चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं क्योंकि करेलों में भी हमें नमक लगाया था। चाहे उसको धो लेते हैं फिर भी उसमें नमक रहता ही है, थोड़ा सा ही डालते हैं अभी, फिर जरूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम ये मसाला हमारा जो बच गया था इसी को दही वाला पानी डाल देते हैं। थोड़ा पानी और डालते हैं, आधी कटोरी। ये थोड़े ग्रेवी वाले ही बनते हैं। गैस को सिम पे करके इसको 2-4 मिनट के लिए ढककर उबाल लेते हैं। करेलों को बनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी, बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, और एक बार ट्राई देख करके देखें, स्वाद भी बहुत बनती है। चेक कर लें हमारे करेले, क्योंकि हमने फ्राई किए थे, ये देखिए अच्छे से गल गए हैं और बढ़िया सी हमारी दही वाले करेले की सब्जी बन गई है। देखिए आप, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें आप नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से डाल लें, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और एक बार ट्राई करके देखें जरूर, बहुत ही स्वादिष्ट भी बनते हैं। ये देखिए बढ़िया से हमारे दही वाले करेले बनके तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।